प्रिय विद्यार्थियों, आइए एक बार पुनः आपका हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। और आज जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, और उस नई शुरुआत में हम आपको अर्थमेटिक के जो शॉर्टकट मेथड हैं उनको बताएंगे, जिससे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारा जो समय है वह, यदि हम लॉन्ग मेथड से कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, तो उस समय की बचत के लिए हम आपके सामने बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट मेथड रखने जा रहे हैं, जिससे आप अपनी उन परीक्षाओं में जो अर्थमेटिक का पार्ट है उसको आसानी से हल कर सको। तो इसके लिए हमारे चैनल में आपके साथ साथ विक्रम जी का स्वागत है, जो आपको इस टॉपिक से सारे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको क्लियर कराएंगे। तो आइए विक्रम जी, आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल वादा किया था शाम को 6 बजे आपको अर्थमेटिक मैथ करवाने का, छोटी शुरुआत करें दोस्तों परसेंटेज से। देखिए ये अर्थमेटिक है ना, न्यू है, इसके बिना कोई भी चैप्टर नहीं होता। अगर आपका परसेंटेज मजबूत है ना तो आधा अर्थमेटिक तो यहीं पर कवर हो जाता है। शुरुआत करें परसेंटेज से। परसेंटेज क्या होता है, देखो इसमें अर्थ इसी में छिपा होता है, पर और सेंट, परसेंटेज। पर का मतलब होता है एक और सेंट का मतलब होता है 100। परसेंटेज यानी क्या है, 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना ही प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, ये होता है भाई, आपने पहले ही पढ़ा हुआ प्रतिशत, लेकिन आज जाने भाई क्या क्या पढ़ते हैं प्रतिशत में। ये टाइप होती है आपके सामने लिखी हुई है, फ्रैक्शन वैल्यूज, फ्रैक्शन वैल्यूज क्वेश्चन आएंगे शुरू में। उसके बाद है एक्स परसेंट ऑफ वाई, वाई परसेंट ऑफ एक्स। जैसे बोल देते भाई 5 का 100% या 100 का 5% बराबर होता है। नेक्स्ट है ए गुणा बी बराबर है सी, यानी कोई भी जैसे लंबाई है चौड़ाई है उसका किसका क्षेत्रफल है, आयत का, एरिया बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट मेथड सक्सेसिव मेथड, चयन मेथड बोलते हैं, क्रमिक, क्रमिक चयन बनती है। आगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, हम आपको बताएंगे भाई प्रतिशत में फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ यूज होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन बेस्ड, चुनाव, दो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, एक हार जाएगा एक जीत जाएगा। उसके बाद है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम होंगे, परीक्षाएं होगी, एक बच्चा फेल होगा एक पास होगा। आगे है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम ऐसे, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ लोग दोनों का मज़ा ले रहे होते हैं। आगे आ जाए ऑफ द रिमेनिंग, शेष का, जैसे 10% उन्हें व्यापार पर खर्च किया, उसका 6% उन्हें यात्रा पर, उसका 10% उन्होंने कोई भी शिक्षा पर किया, ऐसे शेष का। आगे भाई टैक्स कमीशन बॉन्ड्स, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, टैक्स कमीशन बॉन्ड्स हम बताएंगे आपको कैसे करते हैं। और आगे है शुगर राइस, चीनी और चावल, क्वेश्चन ये टाइप है, टाइप वेज पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट भी करेंगे और उसके साथ साथ ट्रिक भी होगी, ट्रिक के साथ ही पढ़ाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके बाद ट्रिक बताएंगे आपको कैसे करते हैं। और परसेंटेज में क्या होता है, दो चीज़ें होती भाई, फ्रैक्शन प्रतिशत, यानी फ्रैक्शन बिन और परसेंटेज प्रतिशत। यानी क्या होता है भाई, जैसे कोई भी शुरू में क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और आगे फिर है फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करेंगे, ये चेंज करना होता हमें। कैसे करते हैं, जैसे बोल देते कि भाई 50%, ठीक है, इसका क्या बनाएंगे हम, फ्रैक्शन बनाएंगे, बिन बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना होता, 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, 50/100 कितना हो जाएगा, 1/2, ये इसी क्या होगी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे वाला होता है भाई ओरिजिनल नंबर, ये संख्या होती है हमारी ओरिजिनल, और ये ऊपर वाला होता है भाई कमी या वृद्धि, कुछ ही बोल दे तो ऊपर वाले को होता है, ये ओरिजिनल होता है हमारा। ऐसे ही जैसे भी ना कोई फ्रैक्शन है, जैसे 1/5 है, इसका प्रतिशत बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, ये दो ही सीखना हमें, कुछ नहीं ज़्यादा।
परसेंट से फ्रैक्शन बनानी है और फ्रैक्शन से परसेंट, प्रतिशत से फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शन से प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक साफ कर देते हैं दोस्तों। जी सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाने के लिए। मैं पीछे हट गया हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं, जैसे ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखी हुई भाई, जैसे फ्रैक्शन है एक है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 100%, और डेसिमल दशमलव में कितना होगा 100%। ऐसे होता है जैसे एक बटा दो, एक बटा दो का कितना प्रतिशत होता है 50%, और डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी 50%। ऐसे एक बटा तीन होता है, एक बटा तीन भी ना, और परसेंटेज वैल्यू क्या है 33 सही 1/3%, और इसकी डेसिमल 33.33% है। ऐसे 1/4, 1/4 का बोल दे भाई प्रतिशत वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे 100 से मल्टीपल, कितना आ जाए 25%, ये 25%। ठीक है, ऐसी ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू भाई, ये यहाँ से और यहाँ तक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये याद रखनी है दोस्तों। अगर ये याद है तो परसेंट कुछ भी नहीं है, अपने आप हो जाता है। वैल्यू याद होनी चाहिए हमें, जैसे 1/6 है का 16 सही 2/3, और इसकी दशमलव क्या है 16.66, ये याद रखना है। स्क्रीन शॉट लीजिए आप इनका, उसके बाद टाइम ना बर्बाद करते हुए हम क्वेश्चन करते हैं, और पहली टाइप करेंगे फ्रैक्शन वेज क्वेश्चन। रफ कर रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा आपने। देखिए हमारा चैनल है भाई खूब मैथमेटिक्स क्लास, खूब मैथमेटिक्स क्लास, इसको शेयर कीजिए भाई, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। पूरा अर्थमेटिक कराएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे, बिल्कुल साथ में ट्रिक होगी, ट्रिक बाद में, पहले कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन वैल्यू को याद कीजिएगा, क्योंकि पहली टाइप हमारी फ्रैक्शन है कन्वर्जन। ठीक है, पहली टाइप क्या है, फ्रैक्शन वेज क्वेश्चन। क्वेश्चन का भाई साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नोट्स बनाइए, धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से प्यार से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भाई ये, कि पूरा परसेंटेज कराएंगे, अपना भी आधा अधूरा पड़ा हुआ, बिल्कुल डिफरेंस नज़र आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है भाई, पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, 20 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम, परिणाम यानी रिजल्ट। ठीक है, संख्या का यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 116/3 हो जाता है। ठीक है, 166 कर लिया भाई, ठीक है, 166/3% हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए
पहला क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ऑप्शन देंगे इसके। पहला ऑप्शन भाई 30, आगे है 45, 30, 45, 40 और 50, ठीक है। 40 ले लीजिए और एक ले लीजिए 50, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में, या मैं लिख दो, ठीक है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है, तो वह संख्या याद कीजिए, ये ऑप्शन है भाई, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखियो, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे हम फ्रैक्शन को, ठीक है, याद होनी चाहिए हमें 166 सही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, या इसे लिखने का तरीका कैसे है। जैसे इसे लिखोगे हम 100% और इसमें 66 सही 2/3%, इसका मतलब क्या होता है भाई, 100% का मतलब एक, यानी कि ये हमारा क्या है, नंबर है, ये हमारी संख्या थी, कोई भी संख्या अपने आप में कितना हो 100% हो है, ये बात याद रहा है। और इसका मतलब देखो क्या होता है, 66 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/3। कैसे आया भाई 2/3, देखो ये एक हमने फ्रैक्शन की थी 1/3, क्या थे भाई 33 सही 1/3 था ना, ये क्या था भाई, और ये इसकी फ्रैक्शन थी 1/3, और ये क्या था इसका, ये दशमलव था, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया है मैंने, जब भाई इसमें है नहीं, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराया जाने तो कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3%, और इसमें कराओ जो कितना होगा 2/3, यानी कि है इसकी फ्रैक्शन क्या है 2/3, 66 सही 2/3% की वैल्यू 2/3, और यही 2/3 है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल संख्या होती है, जो संख्या होती है ओरिजिनल होती है, इसमें क्या जोड़ा है 2/3 जोड़ा है, और ये कितना हुआ है 20 जोड़ा जाए, यानी कि है 2/3 की वैल्यू दे रही है अपना था 20, ठीक है, और अपने एक का मान निकालना है, क्योंकि भाई संख्या अपनी एक है, 2 × 10 और ये नून जाओ तो 30, यानी एक का मान कितना आएगा 30, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको भाई सिखाने के लिए था, फ्रैक्शन वैल्यू कहाँ से आई है 2/3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा, यानी कि यह 30 एक इसी संख्या है जिसमें 20 जोड़ दें तो परिणाम क्या होगा इसका, 166 सही 2/3 हो जाएगा 30 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप इसका, पीछे जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साफ कर रहे हैं भाई, स्क्रीन शॉट ले लिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसी में करते हैं, यदि किसी संख्या में 40 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का कितना हो जाता है, तो कितना होता है परिणाम 137 सही 1/2% हो जाता है, ठीक है। तो वह संख्या याद करनी है, तो वह है हो जाता तो वह संख्या याद कीजिए, इसे ऑप्शन बताएंगे 100, 111, ए है 100, बी है 111 और सी है 110 और डी है 112, ये ऑप्शन है बिल्कुल भाई पहले जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। इसका हमें पता होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, और आपको बताया भी था कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, 100 से वो डिवाइड करके फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे प्रतिशत की, और प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीपल करो, ठीक है, ऐसे आएगा। अच्छा इसको करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए इसका मतलब बताते क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे, 100% + 37/2%, इसका मतलब क्या होता है एक, और इसका मतलब क्या होता है, देखिए हम यहाँ भी खोल सकते हैं, 37 × 2 = 74 और 1 = 75/2 और 100 से
डिवाइड, इसको ऐसे ही करते हैं, कितना जाए 25 75 25 28 200 कितना जाएगी 3/8, ठीक है, इसकी वैल्यू यही है 3/8 37, सही 1/2 की वैल्यू 3/8। अच्छा इसको 3/8, ठीक है, ये अपना है भाई नंबर, ठीक है, ये निकालना आप है, जो कि एक बार भाई 40 जोड़ दिया जावा, लेकिन अपना जुड़ रहा हैड है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी अपना था, ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी भाई इसने 42 कर लियो, 42 कर लेता ही पूरा पूरा कट जा, इसकी वैल्यू कितनी है 42, कितना आया 14, और ये नून जाओ तो कितना जगह 14 8 112, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 112, क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा भाई, कुछ नहीं करना, प्रतिशत दिया हुआ है, इसी अपन परसेंटेज वैल्यू देखनी है, फ्रैक्शन कितनी होगी, परसेंटेज की फ्रैक्शन कितनी होगी, फ्रैक्शन निकालने का सीधा तरीका है, बटे में 100 कर दो, ठीक है, इसकी गुणा ये जुड़ जाएगा, ये नुकसान रहूँगा तो इसका डिवाइड में 100 करोगे तो आपने क्या जी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आओगे 3/8, ठीक है, इसका तो हमने बेरा भाई 100% का मतलब हुआ है 1। स्क्रीन शॉट ले लीजिए भाई, नोट्स बनाने हैं ना, साफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्पेलिंग कर तो उसका इंग्लिश कमज़ोर है अपने, ये अपना खूब मैथमेटिक्स क्लासेज, ये चैनल इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो या ना करो, लाइक का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइक तब करो भाई जब आपको कुछ पसंद आए, ठीक है, लेकिन शेयर ज़रूर करो ताकि कोई और बच्चे तो उनको अच्छे से पढ़ सकें, मैं भाई आपको समझ में ना आए ताकि और बच्चों को आ जाए, इसलिए शेयर करो चैनल को, पूरा परसेंटेज पढ़ाएंगे भाई, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, अभी तक दो ही बात सिखाई है, परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज, प्रतिशत को फ्रैक्शन बनाओगे तो 100 से डिवाइड करना, और फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाओगे तो 100 से मल्टीपल करना, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन लिखते हैं, राम राम से पढ़ेंगे प्यार से, 5-6 क्वेश्चन करेंगे आज, क्वेश्चन ही हो गए, एक संख्या एक संख्या जो जो क्या है 116 भाई, ठीक है, एक संख्या 116 क्या है जो 16% बढ़ाने, जो क्या है एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, ठीक है, हो जाती है, तो बाकी एक बार संख्या याद कीजिए, ऑप्शन देंगे, ए है, बी, ए है 2 20 20 22 16 50, और नेक्स्ट है भाई 22 10 और 22 30, ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, देखिए कीजिए कैसे किया है, देखिए एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, संख्या कितनी होती है 100% होती है, और उसमें कितना बढ़ा दिया 16%, ठीक है, यानी कितनी हो जाएगी टोटल 116%, इसकी वैल्यू अपना दे रखी है 1914, ठीक है, तो काटना क्या का मान अपना है, संख्या पूछी संख्या 100%, यानी 100% का मान काटना, 1% का मान कितना आ जाएगा 1914/116, और निकालना कितना है 100 का मान काटना, तो दोनों साइड 100 चिपका दो इसका, ठीक है, 4 तक काटेंगे 25 और 29 तक कट जाए भाई 66, इसी गुणा कराएंगे, ठीक है, और गुणा भी अपन उन कराएँ पूरी कराएंगे, कुछ नहीं करना अपन ने इकाई का अंक देख लियो क्या हुआ, और ऑप्शन में ठह लियो 25 6 150, यानी क्या हुआ 50 आवा, यानी 5 आवा है,
इकाई का कितना आवा है, पाँच आवा है, और ऑप्शन में कही है 1650, यानी के हो जाएगा अपना आंसर 1650। पूरी मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना इकाई का अंक देख लियो क्या हुआ, पाँच आ रहा है तो पाँच पूरा देख लो, 25 का 150, यानी जीरो तो भाई पाँच हो गया, तो अपना के आंसर हो जाए 1650, यानी कि भाई 66 की 25 गुणा करावा नहीं तो 1650 आ गए अपना आंसर हो जाएगा। यानी यह ऐसी संख्या है जिसमें 16% बढ़ना पर इतनी हो जाएगा, ठीक है, निकाल कर भी देख लियो, इसका 16% काट देंगे तो इतनी पाओगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, रफ करने जा रहे हैं, कुछ नहीं था, 16% बड़ी है अपन नूबेरा हुआ है, 100% संख्या हुआ है, 16% बढ़ाए देंगे तो 116% हो गया, 116% का अपन मान दे रखे अडा, ठीक है, 116 का इतना जगह एक का काट देंगे, जो 1914 बटे जो है जो 100 का करेंगे दोनों साइड 100 चिपका देंगे तो कैट बैठ कर कितना जाए 1685 अपना आंसर हो जाएगा। एक दो और क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे भाई, लिखिए भाई क्वेश्चन एक और, ये है एक क्वेश्चन और करो, किसी संख्या को 16 सही 2/3, किसी संख्या को 16 सही 2/3 प्रतिशत से, यानी से जोड़ने पर, से किसी संख्या को 16 सही 2/3% से जोड़ने पर संख्या प्राप्त हुआ बना संख्या 63-42 भाई, ठीक है 63-42 है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करो, ऑप्शन दे रहा है 5,153 है, 5,053 है, और 1,34 और 1,55 36, ये ऑप्शन है, किसी संख्या को इतना जोड़ना है, ठीक है, तो संख्या या प्राप्त हो तो संख्या याद करनी, 16 सही 2/3 का अपन नूबेरा होना चाहिए भाई, इसी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है, इसी फ्रैक्शन वैल्यू कितने बनेगी, 16 सही लिखाई भी रखी अपन, यहाँ 2/3% की वैल्यू कितनी बनेगी, 1/6 कुकर बने, इसने गुणा करोगे और जोड़ोगे, 16 3 48 2 50 50/3 गुणा में के 100, ठीक है 1/6 या ऐसे बनेगी भाई, ठीक है अपन ये होना चाहिए, के है या के अपनी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, या संख्या अपनी, मतलब या के है संख्या है, अरे ओके वह है बस 16 सही 2/3, यानी कि 16 सही 2/3 छः का 16 सही 2/3 के हुआ 1 होगा, जे यो जोड़ांगे नहीं आप इसमें तो संख्या यह मिलेगी अपन, ठीक है, यानी कि जोड़ांगे कितना जगह 6 1 7, यानी 7 की वैल्यू दे रखी अपना था कितनी है 63-42, तो मान क्या काटना अपन है, संख्या पूछा तो संख्या अपनी 6 है तो 6 का मान निकालना है, 1 का मान कितना है जगह 7 और 6 का मान काटना है दोनों साइड 6 चिपका जाएंगे तो ये अपना क्या जगह आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन्हें सोल्व कराएंगे 7 9 63 7 6 42, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 6 9 54 6 6 36 अपना आंसर के जगह ये हो जाएगा, कुछ नहीं करा जो कर इन्हें बोले अपन नुए करे है, इसकी अपना फ्रैक्शन वैल्यू भी रहना चाहिए 1/6 हुआ है या अपनी ओरिजिनल संख्या हुआ है जो अपनी संख्या हो या हुआ है और जो ऊपर वाला है भाई या कमी या वृद्धि बड़ा हो या घटा हो ये ऊपर लग बढ़ेगा टेगरा हमेशा ये एक वह है
इतना था बटगी, यानी कि इसका कहने का मतलब जो है छः का है नहीं, छः का 16 सही 2/3 कितना हुआ है, एक हुआ है। आज जो इसमें जोड़ दिया नहीं तो यह संख्या प्राप्त हुआ अपना है, और अपना संख्या पूछिए अपनी संख्या अपना बेरा छः है तो छः का मान निकालना है, सात की सात का मान दे रहा है क्या, छः का निकाल दो, ठीक है अपना आंसर हो जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लो क्वेश्चन का अलग अलग, साथ साथ में लिखते रहो भाई स्क्रीन शॉट, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे भाई, ज़रा तो कोशिश होगी। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए भाई, बस आप शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बिल्कुल फ्री में सेवा दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक और, देखिए क्वेश्चन ये है, जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, 20 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह समय का, तो वह समय का यानी वह खुद का, वह संख्या खुद का समय का 116% हो गया है, ठीक है 116% हो जाती है, ठीक है यानी हो जाता है उस भी लिख लो, तो वह संख्या पूछिए वह संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, यानी कि यार इसी संख्या पूछा है जिसमें 20 जोड़ जाएंगे तो खुद का 116% हो जाएगी, ठीक है अपन बेरा हुआ के है, ओरिजिन संख्या कितने हुआ अपने, कोई भी संख्या कितने हुआ है 100% है, ठीक है जोड़ा है कितना 16 तो वह है 16% जोड़ा है, और यो के एक बाईस में ये उनका 20 जोड़ा है, यानी कि 16% का मान 20 दे रखे अपने, और निकालना 16 का यानी इसने ऐड काट लियो 4 तक काटेंगे, 4 चौके 16 4% बराबर है कितना जाए 5 पूछा के है जो उनका 100% का मान, यानी दोनों साइड 25 चिपका दो 100% बराबर है बुरानी 25 ही गुना तो कितना आ जाएगा 125, ये अपना आंसर हो जाएगा। दे रखे अपन 16% का मान, निकालना 100% का कब है यो 116 हो गया है, 116 ज़्यादा होगी ना अपन 100 में 16 जोड़ांगे तो 116 हो जाएगा संख्या, 100 तो है कोई भी संख्या 100 हुआ है उसमें 16 जोड़ा तो 116 हो जाएगा, ठीक है 16% का मान दे रखे यो इसने काटा है 4 4 चौके 16 4% हो गया 5, यानी कि 100 का मान निकालना है तो दोनों साइड 25 चिपका दो, यो भी 100 यो 100 जा यो 125 हो जाए, ठीक है 25 गुणा कर देता है। ये क्वेश्चन है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कल करेंगे इतना ही करेंगे आज, समझ में आया कुछ ऐसा करते हैं आपसे भाई, ये स्क्रीन शॉट ले लीजिए साफ करेंगे इसको, कर देना अभी टाइप अभी पूरी नहीं हुई है, 5-4 क्वेश्चन हो करेंगे इसे अगली क्लास में करेंगे, जो देखिए रिवाइज करते हैं क्या करवाया अपना, शुरू में के है अपना प्रतिशत हो गया, ठीक है और इसकी निकालनी है अपना फ्रैक्शन बनाना, इसका प्रतिशत का फ्रैक्शन कद बनावाएंगे जब 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड और फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन दे हुई है इसका प्रतिशत बनावाएंगे तो के करेंगे इसमें 100 तय मल्टीपल कराएंगे, यानी कि एक क्या है जो 25% है, ठीक है वह 25% का पूछ लेता रुपये फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी, कुछ नहीं करना 100 तय भाग करना है जी, ठीक है कितनी हो जाएगी 25 एकम 25 4, ठीक है ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, अब तक तेन कह दे भाई 1/4 दे रखे फ्रैक्शन इसका प्रतिशत बना दो, कुछ नहीं करना 100 की गुणा कर दो 25%, या ही कहानी से घना लंबा चौड़ा कौन सा सिस्टम की मैं आई गया वो समझ में इतना तो, ठीक है हमारे चैनल को भाई शेयर करो सब्सक्राइब करो खूब मैथमेटिक क्लासेज, ठीक है अभी शुरुआत है भाई थोड़ी आओगी तंगी ही बाद में सब कुछ ठीक कर देंगे, प्यार दो आप अपना प्यार बना कर रखो, ठीक है धन्यवाद आपके लिए, थैंक यू।